है, मैंने मेडिक से 3.5 महीने पहले अपना हेयर प्रोसीजर करवाया, जिसमें कि मेरे को इशू ये था कि जो सामने की फ्रंटल हेयर लाइन है वो रिसीड हो गई थी, साइड से मेरे हेयर बहुत ज़्यादा पीछे हो गए थे, और फ्रंटल में जो ये वाला पोर्शन होता है मिडिल, इसमें भी बहुत ज़्यादा हेयर थिनिंग थी, जिसे कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस बोलते हैं। और 21 मार्च को डॉक्टर बलराम कृष्णा ने मेरा हेयर प्रोसीजर कराया, जो कि 6-7 आवर्स का सर्जरी टाइम था। बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं था, सिर्फ स्टार्टिंग में मुझे 2-3 जो इंजेक्शन लगे, जिन्हें लोकल एनेस्थीसिया बोलते, उन इंजेक्शन के दौरान ही थोड़ा बहुत मुझे पेन हुआ, सिर्फ पता लगा कि हाँ कुछ पिंच हुआ है। उसके बाद 6-7 घंटे की जो भी सर्जरी हुई थी उसमें मुझे पेन नहीं हुआ, सिर्फ शाम को थोड़ा सा हल्का सा डिजीनेस और थोड़ा सा पेन था, जो कि मेडिसिन लेने के बाद मुझे ठीक लग रहा था। मेडिसिन लेने के बाद बहुत ज़्यादा पेन नहीं था, जितना मैंने सोचा था उतना तो बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर था, बहुत अच्छा प्रोसीजर हुआ, जिसमें कि टीम बहुत हेल्पफुल थी, डॉक्टर बहुत हेल्पफुल रहे, पूरी सर्जरी में उन्होंने परफॉर्म की पूरी सर्जरी, और मेरे 4370 ग्राफ्स लगे, जो कि हाई डेंसिटी में आप देख सकते हैं आगे से फ्रंट में। और अभी मेरा 3 महीने हो गए, और शेडिंग मेरी बहुत कम हुई, इसका रीज़न ये था कि जो टेक्निक हमने मेडिक्स में जो टेक्निक सर ने करी है, परफेक्ट टाइप टेक्निक को बोलते हैं, जिसमें कि इम्प्लांटेशन और एक्सट्रैक्शन, यानी बाल निकाल ग्राफ निकालना और ग्राफ लगाना सेम टाइम पे होता है, जिससे कि जो ग्राफ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो बढ़ जाती है, और जो रिजल्ट होता है वो बहुत जल्दी दिखता है, आप देख रहे होंगे। सिर्फ 3-3.5 महीने मेरे को हुए, एग्जैक्ट 3 महीने 16 दिन मेरे को हो चुके हैं। ये फ्रंटल यहाँ पर मेरा पूरा होता 4370 ग्राफ्स, जो कि 3 महीने में इतना अच्छा रिजल्ट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, बट रिजल्ट इज देयर, यू कैन लुक एट द रिजल्ट्स, और परफेक्ट है, टेक्निक मैंने चूज करती उसकी वजह से रिजल्ट है, शेडिंग बहुत कम हुई है, और अभी और 3-4 महीने और लगेंगे जो कि रिजल्ट और एनहेंस हो जाएगा, परसेंट टू परसेंट होती है चीज़ें। और आफ्टर द प्रोसीजर टीम बहुत अच्छे से आपको हैंडल करती है, मेरे बैंडेज चेंज हुआ था सेकेंड डे मैंने रेस्ट किया, 3rd डे पे मेरा बैंडेज चेंज हुआ था, 5th डे पे मेरा वॉश, और फिर वो रेगुलर वॉशेज मुझे सिखाए गए कि कैसे वॉश करना है, पोस्टर मेरा बहुत अच्छे से हुआ था, और डॉक्टर्स भी टाइम टू टाइम मुझे फॉलोअप करते रहे, मैं डॉक्टर से मिलता रहा, वो मेरे रिजल्ट देखे। और यहाँ पे मेडिक्स में टीम बहुत हेल्पफुल है, डॉक्टर्स बहुत हेल्पफुल है, सो अगर चाहते हैं आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो, आपका अगर मेल पैटर्न बॉन्डनेस से आप जूझ रहे, तो यू कैन चूज मेडिक्स फॉर योर हेयर प्रोसीजर। थैंक यू।